के 60,000 के मजमे में पीछे वाले मातम ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा ये पीछे वाले मातम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहने नदीम भाई ये पीछे वाले सारे हिंदू हैं, आपके प्यार में आपको सुनने आए हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आप मेरे कहने पर इमाम हुसैन की कसम दे रहा हूँ बीबी जहरा की, नमाज की तरह लाइन बनाओ और हाथ ऐसे आना चाहिए वरना नौखानी यहाँ सिर्फ 2 मिनट की होगी। लाइन बनाओ नमाज की तरह, लाइन बनाओ नमाज की तरह, नमाज की तरह, नमाज की तरह, मातमी बनो, मातमी बनो। आखिरी वो जो खड़े हुए वो तुम लाइन बनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब सबके हाथ बुलंद होने चाहिए मातम के लिए। माशाल्लाह, लाइन बनाओ नमाज की तरह, जिस तरह नमाज में बनाते हैं। मातम होगा तो नौखानी होगी। जल्दी जल्दी लाइन बनाओ। आप भी, आपसे भी कह रहा हूँ माशाल्लाह, आपसे भी कितने खड़े लाइन बनाओ। तो मातमी नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, लाइन बनाओ लाइन। हालांकि ये मेरा काम नहीं है, जो हमारे साथ आते हैं जो इंतजामिया है उनका काम है कि लाइन बनवाएं और मातम करवाएं। मेरे तो 15 से 20 मिनट आप लोग इसमें ही ज़ाया कर देते हो कि मैं ये कहता रहता हूँ कि मातम करो, यानी मातमियों से कहना पड़ रहा है कि मातम करो। ज़रा मातम अब करके दिखाओ, लाइन बनाओ लाइन। या हुसैन वादा किया, खुदा आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे लेकर के जाए। और वहाँ क्या होता है पता है, जैसे ही मेरे सरकार की जरी हुसैन मजलूम की जरी सामने आती है तो इतना रश होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, लेकिन बंदा वहाँ पे मुँह का मातम, हाथ का मातम, ये कहता है बस एक हाथ जरी के सामने, इमाम हुसैन की जरी के सामने दो हाथ लगाने का। तो ये तैयारी किया करो, मातम की तैयारी में बच्चों की अपनी, ताकि मजलिस लगे, पूरी दुनिया में वीडियो जाए तो कहें कि कराची का भी आलम है। रात के तकरीबन 2:30-2:45 बजे थे, एक बशारती कलाम आता हुआ, अजीब व गरीब कलाम है ये। तो मैंने अपने बेटे अली जी से कहा कि अली जी मुझे रिकॉर्ड करो, ऐसा ना हो कि मेरे जहन से निकल जाए। और एक सदा मैंने सुनी, अजीब और गरीब सदा थी, जो मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। खुदा की कसम इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम की शरीर को हाजिर नाजिर जान के पास आपने वो मातम किया, ऐसा लगा था कि जरिए इमाम हुसैन के सामने मातम कर रहा। एक कलाम में खुदा की कसम ऐसे मौके पर पढ़ता हूँ जब मुझे लगता है कि मस्तूरात में औरतों में शाम से कोई बीवी आई है। ये शाम से छोटी शहजादी, शाम से छोटी शहजादी अपनी बूढ़ी अम्मा की उंगली पकड़ के मजलिस में आती है, तो जब आपके लबों से या हुसैन या हुसैन की सदाएं सुनती है तो छोटी शहजादी सकीना कहती है, बूढ़ी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेके मातम कर रहे हैं? माँ कहती है कि ये लोग तेरे बाबा के मातमी हैं। शहजादी मातम करके कहती है कि काश ये सब करबला में मेरे बाबा के पास हो गए। ये कलाम अब जो मैं पढ़ रहा हूँ हर जगह नहीं पढ़ते, अजब कलाम है, मेरा साथ दीजिएगा। इसलिए कि इसमें 72 कलम का जुलूस जाएगा, मेरे बच्चों जुलूस लेके ऐसे चलना, इस मेंबर की कसम चौथे माह तुम्हारे दरमियान मैंने महसूस किया है। इस जुलूस को ऐसे ही लेके जाना कि चौथे माह मातम करते हुए आपके साथ आ रहे हैं, मातम करते हुए आपके साथ आ रहे हैं। मेरा साथ दीजिएगा जुलूस में। कब? अब आपको साथ देने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल आरिफ रज़ा ने अजीब शेर सुनाया। आरिफ रज़ा ने दादू जी ने कहते अजीब शेर सुना दिया। कहने लगे सरवर भाई, उस शेर का मफहूम यह था, मुझे याद नहीं है, सरवर भाई इतना वीरान हो गया था हुसैन का घर, इतना वीरान हो गया था हुसैन का कम। हुसैन गए, अली अकबर गए, अली असगर गए, और मोहम्मद गए, अब्बास गए, इतना वीरान हो गया था हुसैन का घर। आरिफ रज़ा कहते हैं कि इतना वीरान हो गया था कि शहजादी तो शरीकतुल हुसैन की ज़ैनब बर्दाश्त कर गई, मगर सकीना मर जाती है। सकीना मर जाती यही हम है। बस आखिरी कलाम और जो दूसरे करके जाऊंगा, इसीलिए एक वाक्या सिर्फ बयान किया था। किसी ने कहा नदीम भाई यहाँ भी बयान कीजिएगा, तो मैं भी बयान करता हूँ। ये मजलिस करवाने एक वक्त था कि हसन समीर आपकी माशाल्लाह बरसर रोजगार थे, अब रिटायर्ड हैं, लेकिन आज भी इतनी बड़ी मजलिस करवाते हैं। अरे दिल से मजलिस करवाते हैं कि मजलिस तो होगी। ऐसे ही एक शख्स था, जब मुहर्रम करीब आने लगे, सुनना मेरे हुसैनियों मेरे बच्चों के लिए, जब मुहर्रम करीब आने लगे तो उसकी जोजा ने कहा कि हमारी मजलिसें बहुत करीब आ रही हैं, मगर घर में इतना पैसा नहीं है। ये मैं फिर बयान कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि अरे कि घर में इतना पैसा नहीं है, इतनी बड़ी मजलिसें और ये जो मजलिस हम कहाँ से करवाएंगे। दोनों मियाँ भी सोचते रहे, बात सोच रहा था, लेकिन माँ तो माँ होती, अल्लाह तुम्हारी माँ को सलामत रखे, तुम सबकी माँ को सलामत रखे। लेकिन वो माँ अजीब माँ थी। उस्मान ने एक लम्हे के लिए अपने शौहर को देखा, कहने लगी ऐसा कर देते हैं कि अपने बेटे को बेच देते हैं। वो जमाना ऐसा था कि जहाँ गुलामों की मंडियों में गुलाम बेचे जाते थे। बाप राजी हो गया, बेटे ने बाप की मर्जी के आगे सर झुका दिया। माँ ने आखिरी बार अपने बेटे को प्यार किया और गली के कोने तक अपने बेटे को हाथ दिलाती गई, जब तक बेटा नजरों से ओझल नहीं हो गया। ये बाप आया, सुबह से शाम तक खड़ा रहा। शाम को ग्राहक आया, कहा क्या कीमत है इसकी? कहने लगा बस इतना दे दे कि मैं 10 दिन लोगों को खाना खिला सकूं। अजीब बात है कि 10 दिन लोगों को खाना खिला सकूं। उसने जो पैसे उसको दिए उसने उठाकर अपनी जेब में रखे और बेटे का हाथ उसके हाथ में दिया, और आखिरी बार बेटे को मुड़ के देखा। ये बेटे को लेके चला, जो ये मालिक का बन चुका था, पैसे दे दिए उस शख्स ने इस बेटे को लेके चला, और बाप अपने घर में आ गया और माँ से कहा कि पैसों का मजलिस का इंतजाम हो गया। उधर वो शख्स जो बेटे को लेके जा रहा था, उसने पूछा कि तेरा अब सुनना अजीब बात है, जो शहजादे लोग खड़े हो, सुनो। उस शख्स ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? उस लड़के से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने सर को झुका के कहा अली अकबर। ने कोई गलती कर दी हो, वापस लेकर के आए तो फजल काकू ने क्या गलती की है? जो मालिक था कि मैंने गलती कोई नहीं की, ये हुसैन का गुलाम है, ये अली अकबर का सदका है, अली अकबर का सदका है। अब जुलूस मेरा साथ उस तरीके से देखा, आपकी अहमियत देख ली। मांगो हुसैन से, मैंने तो जो मांगा हुसैन से मिला, जो मांगा हुसैन से मिला। खुदा की कसम के जुलूस अजीब व गरीब जुलूस है। ऐसे तमीज़ से लेकर के चलना कि जैसे जुलूस की अहमियत है, जैसे चौथे इमाम आपके साथ चल रहे हैं। हाँ। बताओ कहते हैं क्या सा कुसम मजाई को जो अरबईन मुसाफिरान बाद वतन में आते हैं। मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं। मुसाफिरान ने मुसीबत वतन में आते हैं। मुसाफिरा ने मुसीबत वतन में आते हैं। मुसाफिरा ने मुसीबत वतन में आते हैं। मुसाफिरा अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है। जो जहाँ हैं बस ज़रा सा हाथ बुलंद करके मातम करना ताकि लगाए मुझे नज़र आए कि आप मातम कर रहे हैं। हाथ बुलंद करके मातम करना, ऐसे नहीं करना, हाथ बुलंद करके जो जिस जगह है आखिरी आदमी तक। हाय कुलसूम ने महमिल के जो पर्दे को उठाया, कुलसूम ने महमिल के जो पर्दे को उठाया, अपना था वतन और अपना था वतन और अपना था वतन मतम पराया नजर आया, यसरब नजर आया। हाथ बुलंद करके यसरब करो ना, नजर आया यसरब माशाल्लाह यसरब नजर आया। बोलो मिलके हाय कुलसूम ने महमिल के जो पर्दे को उठाया, यसरब नजर आया यसरब नजर आया, यसरब नजर आया, यसरब नजर आया। तो मुँह ढाँप के रोने लगी है माँ की नवासी, वीरान तरोबाम थे अल्लाह रे उदासी, उजड़ा बनी हाशिम का महला नजर आया, यसरब नजर आया, यसरब नजर आया। बहुत सारी फरमाइशें इस दिन के लिए भी हैं इंशाल्लाह। कल अबू तराब इमाम बारगाह, ठीक हाँ अबू तराब इमाम बारगाह में इंशाल्लाह जो अय्याम अज़ा की आखिरी फरमाइश है और एक अजीब व गरीब मजलिस होने जा रही है कल इंशाल्लाह। तशरीफ़ लाइएगा मेरे मौला ने चाहा। खुदा आपके जानो माल की हिफाजत फरमाए बहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद। कल मखसूस नोहा खानी है इंशाल्लाह 6 रबी अव्वल के हवाले से, फिर 7 बुतराब इमाम बारगाह पीछे ही है और उसके बाद इंशाल्लाह सुबह 4 बजे अंचोली में रज़ा हुसैनी की शबेदारी 7 रबी अव्वल इंशाल्लाह। अब अगर मेरी खातिर शाम गरीबा के बाद बीबियां कहाँ बैठी थी खाक पर, तो बीबियों की खातिर कुछ देर के लिए खाक पे बैठो। मैं 10 से 15 मिनट आपका लूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं ख़ास कलाम पढ़ना चाह रहा हूँ। अजरुकुम इनल्लाह। बैठ जाइए। वो बाद में पहले वो खुदा खैर करे, खुदा खैर करे 2019 कौन सा था इस तरफ जुल हां खुदा खैर। बैठिए। शाम गरीबा में जिस तरह बीबियां खाक पे बैठी थीं जुलजना मौजूद है। मैं जुलजना का कलाम भी पढ़ूंगा थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाओ। बैठो बेटा, जब बैठोगे नहीं तो पीछे वाले क्या बैठेंगे। ये ताबूत उठाए हुए हैं, आप खड़े रहिए, लेकिन जो साथ खड़े हैं ज़रा इनको। हाँ भाई, मुझे मजीद ना कहना पड़े, वक्त कम है, बैठ जाओ। हाँ खैर करे खुदा, खैर करे, खैर का खुदा खैर करे। करबला खुदा खैर, खुदा खैर करे। एक कलाम की मुसलसल फरमाइश भी है, मगर क्या करूं, इसकी मजबूरी मातम है। अगर आपने मातम किया तो मैं उस तरीके से पढ़ सकता हूं, और अगर आप वादा करें कि मातम करेंगे तो मैं पढ़ूं। ये चार हाथ खड़े हुए, इसका मतलब चार मातमी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो फिर आगाज़ कीजिए। हाँ, जो आखिरी आदमी तक जिनकी मेरी आंखें नहीं देख रही, लेकिन अगर आप अब्बास के अलम को देख रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है, दलील है कि अब्बास भी आपको देख रहा है। तो लिहाजा ऐसे मातम करो कि जैसे अब्बास के अलम के नीचे शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बैठी हूँ। एक कलाम में पहले एक जुलजना के हवाले से एक कलाम में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि बिरादर अजीज़ इनके दिल से पूछिए कि जुलजना को किस तरह उनके नाज उठाते हैं, किस तरह उनके साथ मातम करते हैं, और किस तरह उनको सजाते हैं, किस तरह अक़ीदे से ये लोग लेकर के आते हैं। और कहीं अगर मैं जुलजना को देख लूँ तो मैंने कहा इस अलम की कसम, कैसा हो सकता है कि जुलजना हो और छोटी शहज़ादी साथ ना खड़ी हो। कैसे हो सकता है कि अब्बास का अलम हो और मस्तूरात में शहज़ादी ज़ैनब ना आई हुई हूँ। तो उस तरीके से मातम करना अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है। कुछ नहीं पता कल हो कि ना हो, तुम रहो या ना रहो, हम रहें या ना रहें। उस तरीके से मातम करना जिस तरह मातम का हक़ है। जुलजना के हवाले से पेश कर रहा हूँ। हाय जुलजना आई जुलजना, जुलजना आई जुलजना, जुलजना जुलजना बिगो कुजो बाबा हुसैना। जुलजना बिगो कुजो बाबा हुसैना। मुझे याद है इस्लामिक रिसर्च में पहली दफ़ा एक कलाम पढ़ा था। बस सिर्फ 5 से 10 मिनट दो, अलविदा, इसके बाद पढ़ूंगा इंशाल्लाह। इस अलम के साय में पहली बार एक और कलाम मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था। वही कलाम आज मैं अपने जूनियर नोहा खानों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। हाय दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, 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 देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। ज़ैनब की दुआ बन के एक वक्त वो आएगा, ज़ैनब की दुआ बन के एक वक्त वो आएगा, हर घर पे सजा होगा अब्बास आलम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा, देख में हाजी शाह आलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। वो कौन से सदमे थे है टूट गए जिसे, वो कौन से सदमे थे है टूट गए जिसे। एक दर्द था ज़ैनब का और दूसरा गम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। आ देख मेरे माशाल्लाह ऊंचा है आलम तेरा। रेहान रिज़वी आ देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। ज़ैनब की दुआ बन के एक वक्त वो आएगा। ज़ैनब दुआ बन गए एक वक्त वो आएगा। हर घर में सजा होगा अब्बास आलम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। आ देख ज़ैन शाह माशाल्लाह ऊंचा। जाती है ज़हरा भी ज़ैनब ज़ियारत को जब 8 मुहर्रम को उठता है आलम तेरा। तो दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। आ देख मेरे ऊंचा है आलम तेरा। हानी कमाल माशाल्लाह गाजी ऊंचा है आलम तेरा। देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। हर साल मुहर्रम की जब 8वीं आती है, हर साल मुहर्रम की जब 8वीं आती है हम हाजिर करते हैं उठता है आलम तेरा। तो दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है आलम तेरा। आ देख मेरे ऊंचा है आलम तेरा। खड़े रहो माशाल्लाह। वहीद रिज़वी, मूसा रिज़वी, रेहान रिज़वी, हानी कमाल और अपने ज़ैन शाह माशाल्लाह और हमारे ये रेहान माशाल्लाह। और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होंगे। अगला साल जो आ रहा है इंशाल्लाह तुम लोगों ने वो कलाम पेश करने हैं जो आज़ादारी में फ़रोग का सबब बने। हर ज़माने के हिसाब से तरबियतें भी अलग हो जाती हैं हर ज़माने के हिसाब से, लेकिन गुज़श्ता से पैवस्ता रहो। कि जैसे किसी ने कहा था कि पुराने वक्त में कलाम हुआ करते थे, तो फिर मैंने पुराने वक्त का कलाम छज्जन साहब क़िबला और सच्चे साहब क़िबला के दरमियान में जो दौर चल रहा था वो कलाम इस दौर में पढ़ के सुनाया। हाय आज़ादार हुसैनी ये चलन जिंदा रहे, आज़ा खाने सजाने की लगन जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे। आज़ादार हुसैनी ये वतन जिंदा रहे हाजा खाने सजाने। अब शेर सुनो। लगन जिंदा रहे नौहा खामातों के साए में सफर करते रहे नौहा खामातों के साए में सफर करते रहे हर बयाज़े गम खुले हर अंजुमन जिंदा रहे आज़ादारे हुसैनी ये चलन जिंदा रहे आज़ा खाने सजाने की लगन जिंदा रहे बस अलविदा। कल 6 रबीउल अव्वल इंशाल्लाह बड़ी ख़ास नदीम सरवर की नौहाखानी कल सुनेंगे इंशाल्लाह 6 रबीउल अव्वल में। उसका अंदाज़ बूतरा भी इमाम बारगाह इंशाल्लाह 10 बजे मजलिस शुरू होगी जिसमें वहीद रिजवी, मूसा रिजवी, रेहान रिजवी, हमारे जैन शाह, अपने माशाल्लाह अदनान आपने मिसरा नहीं उठाया ज़ैनब की दुआ बन के, क्योंकि ये बच्चा बड़ा मासूम है। नौहा खान ख़ुद है लेकिन इसने कभी इस चीज़ के पीछे नहीं किया कि भाई मुझे पढ़ाएं, लेकिन मुसलसल पढ़ते हैं। एक मिसरा भी आप भी पढ़ दीजिए ज़ैनब की दुआ बन के। अपनी मजलिस है, वक्त है मेरे पास। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा ज़ैनब की दुआ बन के एक वक्त वो आएगा ज़ैनब की दुआ बन के एक वक्त वो आएगा हर घर पे सजा होगा अब्बास अलम तेरा दिल सीने में जब तक भूलेगा ना तेरा आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख सुभान अल्लाह। ये है मातम माशाल्लाह, जीते रहो बच्चा। ये मातम देखो, ये मातम देखो, ये आ देख मेरे हाथ तो मलम करो हाथ तो है अलम तेरा। अगर किसी यजीद का डर है हाथ नीचे रखो, किसी यजीद का डर है हाथ रखो, वरना मातम करो ऐसे जैसे आप हैं। हसन सगीर अब्दी साहब आपको याद होगा करबला में ये कलाम मुझको मिला था कबीले बनी असद की सदा कि जब कबीले बनी असद की सदा ये थी कि ये 7 आदमी थे मकतल हुसैन बनने के बाद बनी असद के जो मकतल हुसैन में आए थे और इमाम हुसैन का चहलुम इन्होंने मनाया था। ये 7 आदमी थे। मैंने कलाम पढ़ा था बदवल्लाह या जहरा मानसा हुसैना। ये 1400 साल पुरानी सदा है, 1400 साल महलाई अरबी में जिसमें हमने पढ़ा। और अब या हुसैन की सदा वो अजब बुलंद करते हैं। जब बुलंद करते हैं तो मेरी अम्मी अक्सर कहती थी कि सरवर जब आखिरी आदमी तक सब बुलंद हाथ बुलंद करके या हुसैन कहते हैं तो औरतों में ऐसा लगता है कि किसी बीवी के अजीब से रोने की सदा आती। इतनी ख़वातीन में उसकी रोने की सदा सबसे अलग होती है। तो या हुसैन बस 2 मिसरे पढ़ूंगा और आपने ऐसे मातम करना है जिस दिन आशूर के। मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता, तुम्हें इमाम हुसैन की कसम नदीम सरवर को मातम दे दो, मातम दे दो, हुसैन का मातम दे दो। आखिरी आदमी तक मेरे साथ, आखिरी आदमी तक मैं सदा। पहले हमसे सुनो या हुसैन, फिर आपने हाथ बुलंद करके या हुसैन कहना है। थक गए हो या किसी यजीद का डर है तो हाथ नीचे रखना। और अगर हुसैन हुसैनी तो कभी थकता ही नहीं। किसी ने कहा नदीम सरवर कितनी देर पढ़ोगे, कोई नौहा खान था, मैंने कहा तू कितनी देर, कहने मेरा रिकॉर्ड तो 3 घंटे का है। मैंने कहा मेरा रिकॉर्ड 16 घंटे का है। 16 घंटे शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। मैंने कहा वो कुछ भी नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, इतनी देर पढ़ूंगा जिस दिन आखिरी सांस निकल जाए, जब तक आखिरी सांस है। अब सुनना, जो बरादरान अहले सुन्नत आएँ अगर प्यार में हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं हाथ, वरना उनको ज़रूरी नहीं है कि वो उठाएं। लेकिन अब बराबर वाले को देखना, इस बहाने चेक हो जाएगा। दोनों हाथ बुलंद करने, हाथ में तकलीफ़ है या किसी का डर है, हाथ नीचे रखना। पहले हमारा या हुसैन सनो बना बानी असद का, फिर मातम करना जिस तरह ये बच्चा, ये नौजवान खड़े होकर कर रहा था माशाल्लाह। आखिरी आदमी तक हाथ बुलंद करके तमाशाई बन के मत खड़े हुआ करो, क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहा सिर्फ सुन रहा है तो वो तमाशाई नहीं है तो और क्या है। फिर आपका शरीक होना ज़रूरी है मातम में, और हुसैनी कभी तमाशाई बनता नहीं है, चाहे आखिरी आदमी तक खड़े हुए हो। बिरादरान अहले सुन्नत हैं, कोई मसला नहीं है, जो दूर से सुनने के लिए आए कोई मसला नहीं है। पहले हमारा या हुसैन सुनो, या हुसैन, हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके या हुसैन या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बात नहीं। हुसैन, अब ऐसे ही हाथ बुलंद करके मातम कर देना, मौजदा हो जाएगा। हाथ ऐसे ही बुलंद करना, दो हाथ का करबला में कैसे होता है ये देखो मेरी तरफ। ये हाथ बुलंद हो, भले आपके सीने की जगह पे नहीं है, लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन हाथ बुलंद होना चाहिए। हाय नैनवा दश्ते बला करबला, नैनवा दश्ते बला करबला, क्यों हुई जोरो जफा करबला, क्या थी प्यासों की खता करबला, कुछ तो के कुछ तो बता करबला, अपने मेहमान पे ये बंदिश पानी क्यों कर, जिसकी मादर को महर में मिला हौज़े कौसर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कराची वालों आपने हक अदा कर दिया, ये वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी और मैं फख्र से दिखाऊंगा, ये है मेरा कराची, ये है कराची के मातमी, देखो दुनिया भर में जाए। अब इंशाल्लाह बाकी कलाम कल 6 और 7 रबी अव्वल रज़ा हुसैनी इंशाल्लाह सुबह 4 बजे। बस ये 2 दिन आपके साथ और हूँ। आखिरी मिसरा मातम आपको दे दूंगा, आपने या हुसैन इस तरह करना है जिस तरह रोज़े आशूर करते हो, शब आशूर करते हो, शाम गरीबा में करते हो। जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं, सब मिल करके आवाज़ आए, ये परवाह नहीं करना कि दामाद आपको देख रहा है, ये परवाह नहीं करना कि बेटा आपको देख रहा है। अगर साहिब असर का ज़हूर हो जाए तो क्या परवाह करोगे कि ये दामाद है, ये बेटा है, या मौला हुसैन अगर सामने आ जाए, अब्बास सामने आ जाए, परवाह रहेगी नहीं। आखिरी मिसरा, और आखिरी मिसरे में बीबी आपको क्या कहती है जरा सुनिएगा। हाँ फातिमा जहरा ये देती है दुआ, क़यामत रहे ये फर्श अज़ा, यूं ही आती रहे मातम की सदा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन नारा तकबीर, नारा रिसालत। और अगर थके नहीं हो तो नारा हैदरी का उस तरह जवाब दो जिस तरह एक महरान से आवाज़ जाती है, सिंध से आवाज़ जाती है पूरी दुनिया में। महरान का मखसूस नारा, नदीम सरवर का मखसूस नारा, तमाम हुसैनी मिल करके नारा तकबीर, नारा रिसालत। अब हमारा नारा सुनो जो हम नौखान हैं। आज हमको 5.5 महीने हो गए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम आ रहे हैं मसरूफ़ हो जाएंगे, नहीं, मुहर्रम में हम फ्री हो जाते हैं। जो 5 महीने रमज़ान से जो मेहनतें होती हैं नौखानी के लिए, वो एक अलग वो है, मुसलसल जगा रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं थके। नारा हम लगाएंगे, जवाब आप सबने देना आखिरी आदमी तक, आखिरी आदमी तक हाथ बुलंद करके। हाथ किसी मकाम पर उठवाता हूँ, इस अलम की कसम इसलिए कि इमाम ज़माना देख लें कि मैंने हाथ उठवाने में आपकी मदद की है, अब्बास देख ले, तमाम माएँ बहनें बेटियां बुज़ुर्ग मिलके। पहले हमारा नारा सुनो कि हमारे सीने में कितनी जान है। हमने हैदरी इतनी देर तक कहना है, आपने या अली जब तक कहना है जब तक अब्बास आपको अपने रोज़े में बुला ना ले, हुसैन के रोज़े। अली मौला 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 अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली के मीज़ान में तोला जवा के साथ अली मौला 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 अली मौला